अच्छा, लड़के लड़के को बुलाते थे आप लोग? अच्छा, तो क्या होता था, किस तरीके से आप लोग को धमकी दी जाती थी, ब्लैकमेल किया जाता था? क्यों किए करते थे वो लोग ब्लैकमेल आपको? ब्लैकमेल करते थे सर कि मतलब कि वही सोने उने के लेकर। मुजफ्फरपुर में नौकरी का झांसा देकर कई लड़कियों के साथ यौन शोषण हुआ। DVI नाम की कंपनी ने कई लड़कियों के साथ गंदा खेल खेला, जिसके बाद कई लड़कियां सामने आकर अपनी आप बीती बता रही हैं। उसी में से एक पीड़ित हमारे साथ हैं। क्या हुआ था पूरी बात बताइए, आप कैसे पहुंची वहां तक? फेसबुक के माध्यम से। फेसबुक के माध्यम से क्या होता था, फेसबुक पे बातचीत होती थी? क्या बोलते थे? काम के लेकर बातचीत होती, एक अच्छा दोस्त की तरह बात करता था। उसके बाद बात करते करते और काम के सिलसिले में, क्योंकि मुझे भी जॉब की जरूरत थी, तो वही बताया कि अच्छा काम है, आ जाओ यहाँ पे और काम करना। अच्छा, वहाँ पे गई तो क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ पैसा जमा करवा लिया, उसके बाद रूम पे भेज दिया। उसके बाद फिर किस तरीके से आप लोग रखा जाता था? एक दो दिन तक तो ठीक ही ठाक था, उसके बाद बोलता था कि अकेला सिंगल रूम मिलेगा, पर वहाँ जाने के बाद पता चलता था कि एक रूम में 10 लड़कियाँ 12 लड़कियाँ रहती थी। अब पूछने में बोलता था कि अभी रूम मतलब दोस्त की तरह रहो, मिलकर रहो, यही सब बताता था। पहले सब ठीक था, बाद में फिर क्या हुआ, बाद में किस तरीके से सब कुछ? पहले से ठीक था, वही काम जैसे कि मतलब एक मंथ हो जाने पे बोलते थे कि सर कोई काम, क्या काम करना है बताइए, तो मतलब समझाता था कि ऐसे करो वैसे करो, तब बात करने की सिखाता था, गेस्ट उतारोगी तो तुम्हें सैलरी मिलेगा, यही सब बताते थे। अच्छा, लड़के लड़के को बुलाते थे आप लोग? अच्छा, तो क्या होता था, किस तरीके से आप लोग को धमकी दी जाती थी, ब्लैकमेल किया जाता था? क्यों किए करते थे वो लोग ब्लैकमेल आपको? ब्लैकमेल करते थे सर कि मतलब कि वही सोने उने के लेकर। अच्छा, हमारे सर सो तो हम प्रमोशन करा देंगे, ये कर दीजिए। अच्छा, आप लोग विरोध किए इसका? तो क्या बोलते थे? बोलते थे कि तुम्हारे फैमिली को मार देंगे। अच्छा, आपके ऐसे कितनी लड़कियां? बहुत सारी। अच्छा, मेन आरोपी कौन है जो आप लोग के साथ ऐसा करते थे? मनीष सिन्हा, हृदयानंद, विजय कुशवाहा, कन्हैया कुशवाहा, उसके बाद राकेश, हरे राम और एक है और मतलब 2-3 लीडर है जिनका नाम नहीं जानते हैं। अच्छा, अच्छा आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ भी सेम ऐसी हुआ था। आपको ही बोला गया कि बेड से? हाँ। अच्छा, फिजिकल रिलेशन बनाते थे, उसका भी वो लोग वीडियो बनाते थे? उसके बाद क्या बोलते थे? उसके बाद मतलब बोलते थे कुछ भी, तो बोलता था कि से ये नहीं करोगी तो तुम्हारे वीडियो वायरल कर देंगे, यही सब। और प्रमोशन को लेकर क्या बोलते? प्रमोशन के लिए बोलता था कि मतलब कि मेरे साथ रहोगी रिलेशन में तो तुम्हें मतलब प्रमोशन दिलवाएंगे, ऊपर तक पहुंचाएंगे, पैसा कमाओगे। आप लोगों को टारगेट भी मिलता था कि इतना पूरा करो? इस तरीके से। तो ये वो पीटता है जो वहाँ पे थी और इन्होंने अपने आंखों से देखा है, खुद भी वो दर्द सही है कि किस तरीके से DVR नाम की जो कंपनी थी उसके संचालक और कई वहाँ पे उसमें शामिल लोग यौन शोषण करते थे, उसमें कई लड़कियाँ शामिल थी जो अब सामने भी आ रही है। हालांकि पुलिस इसमें जो आरोपी है तिलक सिंह उसकी गिरफ्तारी भी कर ली है, अन्य के लिए छापेमारी भी की जा रही है। मुजफ्फरपुर से लोकल 18 के लिए ऋतुराज।